अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट एग्ज़ाम 2022 कंडक्टेड बाय डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडीकेट 2022 का जो एग्ज़ाम 13 नवंबर को कंडक्ट किया है, आज की इस वीडियो में हम उसके बायोलॉजी के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें आंसर की में जो कमी बेशी है, जो बच्चे अक्सर परेशान हैं कि सर फला आंसर में मसला ये, तो इन तमाम सवालात को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आंसर की में जो इशू हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के पोर्शन को। याद रहे ये पेपर है कोड बी का, कोड बी के मुताबिक इसकी आंसर की को जो है वो फॉलो किया गया है और इन सवालात को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल, हेपेटाइटिस इज कॉज बाय, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ये बहुत ही आसान सवाल था। सिफिलिस इज कॉज बाय अ बैक्टीरिया, सिफिलिस जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये दोनों सवाल जो है उनकी आंसर की जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट ऑफ पेल्विक गर्डल इन वेल एंड स्नेक ऑल्दो दे नेवर हैव लैक शो एविडेंस फ्रॉम, भाई पेल्विक गर्डल जो होता है वो वेल में होता है, स्नेक में होता है और कहा जाता है कि इनके पास कभी भी टांगे नहीं होती, ये किस चीज़ को शो कर रही है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बायोकेमिकल एविडेंस, ऑप्शन बी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन सी वेस्टिजल ऑर्गन, ऑप्शन डी इम्ब्रियोलॉजी एंड ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं वेस्टिजल ऑर्गन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्टिजल ऑर्गन को, वेस्टिजल और क्योंकि इनके पास टांगे हैं नहीं फिर भी पेल्विक बोन है, तो इस वजह से जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। एमसीक्यू नंबर 4, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या चीज लिबरेट करते हैं, खारिज करते हैं, वो यहां बात हो रही है। तो ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन ई ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या लिबरेट करते हैं, तो यहाँ इसकी आंसर की जो है वो गलत है। यहाँ जो डाउ वालों ने जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है H2S। डाउ वालों ने आंसर क्या दिया हुआ है, डाउ वालों ने आंसर दिया है बी, बी वाला जो है वो आंसर जो है वो उन्होंने मार्क किया है, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। याद रखिएगा डाउ की तरफ से आंसर आया बी, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो मैं आपको थोड़ा सा बुक की लाइन में आपको रिकॉल करवा दूं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को वो यूटिलाइज करते हैं और लिबरेट करते हैं सल्फर इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बजाय वो सल्फर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सल्फर, जबकि यहाँ कोड बी की जो आंसर की है उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी लिखा हुआ है। तो ऑफिशियली डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो सबको मिलना चाहिए। तो वो बच्चे जो परेशान हैं तो इसका आंसर की में करेक्शन होनी चाहिए और एक नंबर जो है वो सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या ऑप्शन है, परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, इम्परमिएबल, सब परमिएबल, नॉन परमिएबल। तो सेलेक्टिव परमिएबल सबको मालूम है इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट अमाउंट वेरीज फ्रॉम, वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसकी परसेंटेज कितनी है, ये भी बिल्कुल सिंध बोर्ड की बिल्कुल लाइन उठाई हुई है और ये भी आंसर करेक्ट है, 70-90% का जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द फेज इन विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन एंड सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज विच प्रोड्यूस सेकेंड हर्ट साउंड डब, दिस फेज इज नोन एज, भाई वो फेज जिसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन हो जाते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल बंद हो जाते हैं, वो कौन सा होता है, ऑप्शन ए में एट्रियल डायस्टोल, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ऑप्शन ई सिस्टोल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन बी, वेंटिकुलर डायस्टोल। वेंटिकल जब रिलैक्सेशन वाले फेज में होते हैं उस वक्त बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं ताकि ब्लड एट्रियम से वेंटिकल में आ जाए, और उस वक्त सेमीलूनर वॉल क्या होते हैं, उस वक्त सेमीलूनर वॉल जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो लिहाजा ये इसका करेक्ट आंसर बी है और आंसर की में भी यही है। नेक्स्ट है फिनोटाइप रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। फिनोटाइप रेशियो पूछा गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसका हमें बताना है फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, 9331। ये बाकायदा उसमें हम कैलकुलेट भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायोस एंड ग्लाइसरॉल इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ। ट्रायोस और ग्लाइसरॉल जो है वो किसकी सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं? तो ये बहुत ही आसान सवाल था और ये था डी, फैटी एसिड। तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक की सीधी सीधी लाइंस जो है वो डाउ ने जो है वो ली हैं, और इसमें हमारे पास जो है वो इसमें लिखा हुआ है नंबर 10, दे आर इनहिबिटर ऑफ की एंजाइम इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से इनहिबिटर हैं? कैल्शियम एंड पोटेशियम, सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर, हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, पेस्टिसाइड DDT एंड पैराथायोन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? आंसर की में भी यही है, ई, पेस्टिसाइड्स, DDT एंड पैराथायोन इज द करेक्ट आंसर। ये भी बुक की सीधी सीधी लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन होता है? सीधी सीधी बुक की लाइन है और कई चैप्टर्स में ये बार बार रिपीट हुआ है, और वो क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर, ये है ए। नेक्स्ट हमारे पास है बॉलस इंटर द इसोफिगस नॉट द ट्रेकिया ड्यू टू प्रेजेंस। बॉलस क्या होता है? जब हम खाना मुंह में चबा लेते हैं ना, चबाने के बाद जो वो खाना इसोफिगस में जाता है, ट्रेकिया में नहीं जाता, किसकी वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या से? नेट ATP प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो नेट ATP जो हासिल होते हैं वो कितने होते हैं? 2 ATP हासिल होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेप में 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, फाइनल में 4 प्रोड्यूस होते हैं। तो नेट का मतलब ये होता है कि टोटल कितना हासिल हुआ, तो 4 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो 2 ATP क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास ट्यूबुलेरिया ट्रेमेटोडा सिस्टोडा बिलोंग टू। भाई ट्रेमेटोडा सिस्टोडा ये कौन सी फाइलम के हैं? बहुत ही आसान, और ये हैं फाइलम प्लेटियलमिंथेस के। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। ये इंटर के बोर्ड एग्जाम का बार बार रिपीट होने वाला मोस्ट फेवरेट सवाल है, तो ये बच्चों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है वो पोएसी फैमिली जो है वो इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। ये भी बहुत आसान सवाल है, बुक की लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ डाइसेक्राइड्स बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज ज्वाइन बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म। भाई 2 ग्लूकोज जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनेगा? 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ई है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिलाइज्ड। भाई व्हाइट आई ट्रेट जो ड्रोसोफिला में होता है वो किस वजह से होता है? तो वो होता है म्यूटेशन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स आर ग्रेजुअली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर टू यूवी हाई ऑल्सो अल्फा एंड बीटा रेज बिकॉज इट अल्टर्स। भाई एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब अल्ट्रावायलेट, अल्फा, बीटा और गेमा रेज से उसको एक्सपोज करवाते हैं। वजह क्या है? बिकॉज ऑप्शन ए क्वांटिटी ऑफ एंजाइम को वो डिक्रीज करता है, बी में कहा जा रहा है पीएच ऑफ एंजाइम, सी में कहा जा रहा है शेप ऑफ एंजाइम, डी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ एंजाइम, ई में कहा जा रहा है नेचर ऑफ एंजाइम। ए बी सी एंड डी एंड ई, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। भाई ये यूवी रेस का और क्या रोल होता है? तो वो एंजाइम की शेप को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, शेप ऑफ एंजाइम। अब थोड़ा सा प्रिंट जो है वो कम है, स्टूडेंट ने ही मुझे सेंड किए हैं। इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बको फेरेंजियल कैविटी थ्रू नोस्ट्रेल एंड ओल्ड एयर रिटेन अंडर प्रेशर इन। भाई फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि हवा जो है वो बको फेरेंजियल कैविटी में रहती है थ्रू नोस्ट्रेल, और पुरानी हवा जो है वो अंडर प्रेशर कहाँ रहती है? तो ये बाकायदा फ्रॉग के जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म वाला सवाल है, तो ओल्ड एयर जो है वो लंग के अंदर ही वो क्या रखता है? सेव रहता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन DNA इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो DNA के अंदर किस फॉर्म में मौजूद होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो DNA के अंदर जेनेटिक कोड की शक्ल में होती है। भाई कोडोन वाला जो पार्ट पड़ा है ना, ओके।
फिर उसके बाद जो है वो पायरविक एसिड इस पायरविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं भाई? पायरविक एसिड के अंदर जो है वो 3 कार्बन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ई। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? लिग्निन, हेमिसेलुलोज, क्यूटीन, काइटिन, सेलुलोज। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है वो सिलेक्ट करना। अब आप बोलेंगे सर इसमें हेमी सेलुलोज वगैरह और ये तो सारी चीजों का जिक्र मौजूद है। बेस्ट आंसर में यही होता है कि सबसे ज्यादा। अब इस टाइप का कोई वो नहीं है ना, अब ए बी या मल्टीपल ऑप्शन का आपके पास है नहीं ना, तो आपने इसमें बेस्ट सबसे ज्यादा क्या है वो सेलेक्ट कर लेना होता है। तो ये है सेलुलोज। नेक्स्ट है प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन युगलिना। भाई युगलिना के अंदर प्लांट और एनिमल लाइक कैरेक्टर दोनों होते हैं, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो प्लांट लाइक? ऑप्शन ए पायरिनॉइड, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी फोटोरिसेप्टर, ऑप्शन डी फ्लैजिलम, ऑप्शन ई पेलिकल। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने जो है वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो प्लांट लाइक कैरेक्टर जो युगलिना का है वो क्या है? वो है पायरिनॉइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इट हैज न्यूरो सिक्रेटरी सेल दैट सिक्रीट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? ऑप्शन ई हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी। भाई तमाम कॉन्शियस एक्टिविटी जो है वो दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए हाइंड ब्रेन, कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन एंड ई मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी कॉर्टेक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल जो भाई बुक की सीधी सीधी लाइंस मौजूद हैं और वो हमारे पास है ऑप्शन सी एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉर्पियोइड साइन इज फाउंड इन। याद रखिएगा इन्फ्लोरेसेंस वाला जब टॉपिक मैंने बाकायदा हमारे जो रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर दिया था तो बहुत से बच्चे कह रहे थे सर ये तो हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है। तो उस वक्त मैंने क्या कहा था कि भाई पीएमसी ने जो जो चैप्टर्स दिए हैं वो पूरे करो, वो अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता। तो रिप्रोडक्शन वाले जो चैप्टर है उसमें बाकायदा इन्फ्लोरेसेंस का पूरा टॉपिक जो है हमने अपने रजिस्टर्ड ग्रुप में करवाया। बाकायदा टेस्ट में मैंने इसके स्पेशली जो है वो सवाल शामिल किए, तो आगे इस बायोलॉजी में 2 से 3 सवाल बाकायदा इसके मौजूद हैं। तो उसमें जिन्होंने जो है वो बाकायदा पीएमसी में पत्थर पे लकीर बांध दी वो हमेशा परेशान होते हैं। तो पीएमसी अपने जो चैप्टर देता है वो चैप्टर आपने पूरे करने होते हैं। तो स्कॉर्पियोइड साइन जो है वो इनमें से, वो इन्फ्लोरेसेंस की जो हमने टाइप्स डिस्कस की थी ना, तो स्कॉर्पियोइड साइन जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? आपके पास आ जाएगा कॉटन। इसकी एग्जांपल दी हुई है बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस। भाई पूरे ऑल ओवर द सरफेस पर जो फ्लैजिला पाया जाता है वो क्या है? पेरिट्राइकस। नेक्स्ट हमारे पास है अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडिनल म्यूकोजा दैट चेंजेस द इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? और दूसरी निशानी ड्यूडिनल म्यूकोजा भी बोल दिया, तो अब तो बहुत आसान हो गया। तो ये हमारे पास है सी एंटेरोकाइनेस। नेक्स्ट हमारे पास सेल बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। भाई सेल के अंदर इनमें से कौन सी चीज अगर डिपॉजिट हो जाए सेल क्या हो जाएगा? सेल इनमें से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? लिग्निन। बताइए कहाँ से आया ये? बाकायदा सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन वगैरह के बारे में जब जिक्र होता है तो वहां ये बुक की लाइन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रेबीज इज कॉज बाय। रेबीज इज कॉज बाय, रेबीज किसकी वजह से होता है? आपको मालूम है रेबडो वायरस की वजह से, बुक की लाइन है। एड्स के अंदर जो वो डी जो है वो स्टैंड कर रहा है किसको? एड्स के अंदर डी जो है वो डेफिशिएंसी को क्या करता है? शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें लिखा हुआ इट इज अ लूप और सेट और रेस्पॉन्स शोन बाय द अफेक्टेड दैट वीकेंस द अफेक्ट ऑफ द इनिशियल स्टिमुलाई। भाई एक लूप है, रेस्पॉन्स है जो कि इनिशियल स्टिमुलाई को वीक कर देता है, भाई वो कौन सा है? तो नेगेटिव फीडबैक, न्यूट्रल कंडीशन, पॉजिटिव फीडबैक, स्टैटिक स्टेट, थर्मल स्टेट। बहुत ही आसान सवाल। भाई वीकेंड अगर कर देता है तो वो कौन सा होता है? वो होता है नेगेटिव फीडबैक, सही है। और अगर इंक्रीज कर देता है तो वो कौन सा होता है? पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 35 क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज। भाई ये इनका बड़ा फेवरेट सवाल है और ये आपकी सिंध बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज का भी बाकायदा सवाल है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस में होता है। अगर आपको याद हो मैंने एनटीएस के पास पेपर जब डिस्कस किए तो उसमें सेल साइकिल वाला जो पार्ट है वो भी मैंने अपलोड किया, तो उस पर मेजोरिटी के कमेंट्स आए कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, ये तो सिलेबस में नहीं है। जबकि मुझे अंदाजा था कि भाई सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड वो
सेल साइकिल के सवाल भी क्या करेंगे उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड के अंदर जो है वो उसी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर बाकायदा माइटोसिस मियोसिस वगैरह की चीज़ें भी क्या थी शामिल थी। तो उस वीडियो पर सबसे कम व्यूज बच्चों के आए, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं भाई। जब एक सीनियर बंदा अपने यूट्यूब पर एक वीडियो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, मेहनत करवा रहा है, तो उसको ज़रूर अंदाज़ा है ना कि इससे भी सवाल रिपीट होगा। और वाकई देख लो क्रॉसिंग ओवर वाला जो कह रहे हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, तो भाई ये मैंने पहले से बताया था। तो क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज, भाई क्रॉसिंग ओवर जो है वो कब होगा, तो क्रॉसिंग ओवर आपको मालूम है ये डिप्लोटीन के अंदर होती है। अ कोएंजाइम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट सर्टेन परसेंट ऑफ पोर्शन ऑफ एंजाइम, भाई कोएंजाइम बुक की लाइन है सिन बोर्ड के अंदर बाकायदा, बुक की लाइन यहाँ इन्होंने ली है और वो है 1%। कोएंजाइम जो है वो एंजाइम का तकरीबन 1% तक हिस्सा होता है। नेक्स्ट है ईच चेन ऑफ डीएनए इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स बाय मीन ऑफ, भाई ईच चेन हर चेन जो होती है ना डीएनए की वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने की वजह से होती है। तो मतलब इन शॉर्ट दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, ऑप्शन है डबल बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो बुक की बगैर सीधी सीधी लाइन है तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ हमने 37 सवाल डिस्कस किए एमसीक्यू नंबर 38 से लेकर 68 तक। इंशाल्लाह इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और वो पार्ट भी हम जल्द अज जल्द अपलोड कर ही देंगे, आज के दिन ही करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।